नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। जी हां दोस्तों, जल्दी सोना सस्ता होने वाला है, इसको लेकर हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सरकार के द्वारा सोने पर लगने वाला आयात शुल्क बढ़ाने के बाद एकदम से सोने के भाव में उछाल देखने को मिला था साल 2019 के अंतर्गत, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था। और इसके बाद साल के शुरुआत में यानी कि 2020 में अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध वार जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसके कारण निवेशकों ने ज्यादा से ज्यादा सोने में निवेश किया, जो कि सोने के भाव में बढ़ोतरी का कारण बना था। वर्तमान समय की बात करें तो सरकार सोने पर 12.5% आयात शुल्क वसूल करती है। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट पेश करने वाली है, जिसको लेकर रत्न आभूषण निर्यात उद्योग ने सरकार से शुल्क घटाकर 4% करने की मांग की है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में सोने पर आयात शुल्क में कटौती का प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय की ओर से दिया गया है। हालिया समय की बात करें तो सोने का भाव प्रति 10 ग्राम के अनुसार 40,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ऐसे में सरकार अगर आयात शुल्क को 12.5% से घटाकर 4% कर देती है तो लगभग सोना 3,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार को बजट के अंतर्गत सोने पर लगने वाले आयात शुल्क को कम करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।